दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स आज हम क्लास ट्वेल्थ में जो सॉलिड स्टेट है उसमें CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड टाइप जो क्रिस्टल से हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअल में हम लोग क्या करने वाले हैं वो आप समझे कि Ab2 टाइप के जो क्रिस्टल है उसकी स्टडी करने वाले थे, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो CaF2 है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें फटाफट नोट करें फ्रेंड्स। पहली बात तो इसमें जो कैटायन टू एनायन जो रेशियो होता है, कैटायन टू एनायन जो रेशियो होता है वो आप याद करें पहले, तो वो होता है 1:2। ठीक है, 1:2, क्योंकि इसमें एक कैटायन होता है और दो एनायन होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? यानी यहाँ पर ए पॉजिटिव हो गया, A2 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर सॉरी बी नेगेटिव हो गया। चले सेकंड, इसमें एक बात याद रखें कि जैसे ये CaF2 जो होता है ये स्पेशल टाइप का है, तो इसमें क्या रहता है कि अभी तक जो नेगेटिव आयन पैकिंग नहीं बनाते, बल्कि यहाँ पर जो पैकिंग आयन होते हैं वो होते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है वो पैकिंग आयन होते हैं। एक ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर इसको याद कर लें कि मात्र इसी में ही होते हैं, बाकी सब में तो नेगेटिव ही होते हैं, एक्सेप्शन है ये केस। ठीक है, एक्सेप्शन कैसे? क्योंकि फ्लोराइड जो है वो स्मॉलर साइज है ना, स्मॉलर साइज के कारण कोई भी पैकिंग नहीं बनाता। ठीक है, तो पैकिंग आयन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये कहाँ पर होता है? तो कैल्शियम जो आयन होते हैं देखे वो याद कर लें, एब्सिसी टाइप का क्रिस्टल होता है, एब्सिसी टाइप क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, ये तो एब्सिसी टाइप जो क्रिस्टल होते हैं, उसमें जो कैल्शियम आयन कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो कॉर्नर पर होता है, ठीक है, और इसके अलावा फेस पर होता है। तो कॉर्नर पर कितने होंगे आपको वैसे ही बताया, तो 8 कॉर्नर होते हैं और हर एक कॉर्नर पर उसका कितना पार्ट मिलता है, 1/8। और फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं और हर एक फेस पर इसका कितना पार्ट मिलता है, 1/2। तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब अगला मीटर याद करें, आपकी जो टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम आयन कितने होंगे यहाँ पर, 4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर टोटल, यहाँ पर जो तो देखिए अब अपने को निकालना है, इसमें जो आपके फ्लोराइड आयन है ना, फ्लोराइड आयन की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन की जो पोजीशन है आप लोग याद रखें, जो फ्लोराइड होते हैं वो इज लोकेटेड इन ऑल टेट्राहेड्रल बॉयज। ठीक है, टेट्राहेड्रल बॉयज, तो ये एक्चुअल में ये टेट्राहेड्रल वॉइड पर होते हैं। ठीक है, अब कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आप याद कर लें, तो टेट्रा नेक्स्ट है, तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड होते हैं वो वॉइड होते हैं टोटल 8। ठीक है, एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, जो कि मतलब आप लोग याद भी रख सकते हैं 2 × रैंक है ना, रैंक कितनी होती है, 4 होती है, तो 2 × 4 यानी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि फ्लोराइड आयन जो होते हैं, फ्लोराइड आयन की जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8। ठीक है, एक यूनिट सेल में 8 फ्लोराइड आयन होते हैं। ठीक है, मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो सिंपल है, एक बात याद रखें कि जो CaF2 आयन के नंबर्स कितने होंगे, CaF2 के नंबर्स कैसे निकालेंगे, देखो इसमें चार, एक CaF2 को बनाने के लिए सिंपल है, क्या चाहिए, एक यदि क्लोराइड आयन, एक कैल्शियम आयन चाहिए, तो हमें इसके लिए कितने चाहिए, यहाँ पर 2 फ्लोराइड आयन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4 फ्लोराइड है, 4 कैल्शियम है और 8 फ्लोराइड है, तो कुल मिला के
इसके कितने एटम बनेंगे, तो इसके कितने बनेंगे, चार मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, चार मॉलिक्यूल, क्लियर हो गया। तो सी एफ टू के टोटल चार मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अपन इसकी क्या निकालें, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कैल्शियम पॉजिटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें हम, तो याद करें थोड़ा सा कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं इसको बनाकर बताता हूँ, ठीक है। ये जो है हमारे पास एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल में हमें पता है कि मैं जैसे यहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ किसकी, ये कैल्शियम की, ठीक है। तो ये आठ कैल्शियम होगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस है कि इसमें पैकिंग जो है कैल्शियम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये कितने नंबर ऑफ जो फ्लोराइड आयन से टच है, तो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन यदि हम देखेंगे तो देखें, एक मिनट में और इस क्योंकि एफ सी सी है तो और भी बना देता हूँ यहाँ पर, ये फेसेस पर भी होंगे, ठीक है। तो ये छः फेसेस पर है ना, ये सामने वाली फेस पर भी। तो अब यदि हमें देखना है कि ये कहाँ पर है, तो देखो ये वॉइड पर है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक वॉइड पर यहाँ पर होगा और एक वॉइड पर यहाँ होगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या है कि ये इस तरह का यदि एक कैल्शियम यहाँ है और एक कैल्शियम यहाँ है, तो इसके बीच में दो वॉइड होंगे। यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर होगा और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब कि ये वाला जो है कैल्शियम, ये एक यहाँ पर फ्लोराइड आयन से टच में है, ठीक है। तो ऐसा ही ये वाला जो फ्लोराइड, ये जो कैल्शियम आयन है, ये एक यूनिट सेल में एक फ्लोराइड आयन से टच है। तो ऐसा जो कॉर्नर का यूनिट सेल है, एक बात समझ लो यहाँ पर कि इसके कितने वन, एक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट मिल रहा है, आठ, वन बाई एट पार्ट मिल रहा है इसका, तो वन बाई एट पार्ट मिल रहा है। तो ऐसे हमें टोटल कितने यूनिट सेल लगेंगे, आठ यूनिट सेल लगेंगे, तब कहीं जाकर एक एटम बनेगा। मतलब एक यूनिट सेल में यदि एक फ्लोराइड आयन इसको मिल रहा है, तो आठ यूनिट सेलों में इसको आठ फ्लोरीन एटम मिलेंगे। मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, वो होगी आठ, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। चले अब इसका एक और रह गया कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कौन सा, कि किसी को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना अब अपने को फ्लोराइड आयन की। तो फ्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक्चुअल में देखो क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड में हमेशा कितने एटम लगते हैं, आपको तो पता होगा कि चार एटम से मिलकर बनते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, चार होगी। एक बात अच्छे से थोड़ा समझ लेने यहाँ पर कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और नंबर ऑफ एटम, ये जस्ट अपोजिट निकलते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, ये देखो ये जो है फ्लोरीन के लिए फ्लोरीन के एटम कितने होते हैं, आठ, लेकिन इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, चार, ठीक है। अब इसके लिए कैल्शियम के लिए बात करें तो कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, चार, और उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी निकलती है, वो आठ, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब एग्जांपल फ्रेंड्स इसके लास्ट लिख लें, तो यदि हम देखें तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जांपल में जैसे ये हो जाएगा, एक तो आपको मैंने बता दिया CaF2 हो गया, ठीक है, और SrF2 हो गया, और CbF2 हो गया, ठीक है। ये इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, ETC लिख दे रहा हूँ, ये सब AB2 टाइप के क्रिस्टल्स हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो था, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।